एक अप्रैल से मोदी और खट्टर सरकारों ने हरियाणा और देश के लोगों पर 1,25,000 करोड़ रुपए के नए टैक्स लगाए। सच बात यह है कि अब ये लोग कहने लगे कि अब की बार पॉकेट मार सरकार, क्योंकि डायन महंगाई और भाजपा जजपा दोनों मिलकर किसान, दुकानदार, मजदूर, गरीब, नौकरी पेशा, मध्यम वर्ग उनकी जेब काटने पर लगे। यही कड़वा सत्य है। ये इसके कुछ पहलू आज आपके समक्ष जो हैं वो मैं रखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो देश के 62 करोड़ हरियाणा समेत देश के 62 करोड़ किसानों पर टैक्स का बोझ, किसान आंदोलन का बदला, हरियाणा पंजाब की खास तौर से और आम तौर से देश की अनाज मंडियों से, अनाज मंडियों के आढ़तियों से, मुनीमों और मंडी मजदूरों से, किसानों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ले रही है। और उसका सबसे ताज़ा उदाहरण ये है कि इस 1 अप्रैल से DAP, जो किसान का ईंधन है जिसके बगैर खेती हो ही नहीं सकती, उसकी कीमतों में 150 रुपया कट्टे का इजाफा हो गया। 50 किलो के कट्टे में 150 रुपये बढ़ाओ तो 3 रुपये किलो हो गई, सीधा हिसाब है। 1,20,00,000 टन DAP हिंदुस्तान में इस्तेमाल होती है, तो कुल बोझ जो अतिरिक्त पड़ा है वो है 3,600 करोड़ रुपया, सीधा हिसाब है। NPK खाद जो है वो तीसरी सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली खाद हिंदुस्तान में। NPK खाद का कट्टा भी 110 रुपये 1 अप्रैल से बढ़ा दिया। 50 किलो के कट्टे में 110 रुपये बढ़ाओ तो 2 रुपया 20 पैसे का इजाफा हो गया। 1,70,00,000 टन NPK खाद हर साल हिंदुस्तान का किसान इस्तेमाल करता है। 1,70,00,000 को 2 रुपये 20 पैसे से भाग दे दीजिए, गुणा कर दीजिए, 3,470 करोड़ रुपए का, माफ कीजिए, 3,740 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बोझ इससे पड़ गया। तो 8,000 करोड़ रुपए के करीब तो किसान की जेब काट कर 1 अप्रैल से ही भाजपा जजपा सरकारों ने कमा लिए। गेहूं खरीद 1 अप्रैल से सरकार ने घोषणा की कि हमने चालू कर दी। इस मंडी की हालत देख लीजिए, अभी तक तो धान नहीं उठा सारा, कोई इंतजाम नहीं। हरियाणा के किसी परचेज सेंटर में चले जाइए, हरियाणा की किसी मंडी में चले जाइए, पेहवा चले जाइए, कुरुक्षेत्र, मुख्यमंत्री का हलका करनाल, कैथल, जीन, किसी मंडी में जाइए, कोई इंतज़ाम नहीं। LPG जो गैस है 50 रुपये उसके अभी बढ़ाए हैं, और अगर पिछले आप 7 महीने में गिन लें, जो सितंबर 2021 से मार्च, पिछले भी छोड़ दीजिए, हम तो 400 रुपये पे छोड़ के गए थे, अब तो 1,000 का टच करने लग गया, वो भी छोड़ दीजिए, जो पिछले सितंबर से और इस मार्च तक गिन लें तो 140 रुपये 50 पैसे घर की गैस सिलेंडर के बढ़ा दिए। हिंदुस्तान में जो गैस की खपत है, ये पेट्रोलियम मंत्रालय का आंकड़ा है, 27,384,000 मीट्रिक टन LPG की खपत होती है। यानी जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा 140 रुपये 50 पैसे से भी गुणा कर दो तो 27,095 करोड़ रुपया अतिरिक्त लेंगे केवल ये इस बढ़ोतरी से। CNG और PNG, अब तो कैथल में भी CNG यूज़ करते हैं सब, कारों में, ऑटो में, और बाकी देश में तो रिक्शा पे, ऑटो रिक्शा पे, फोर व्हीलर पे, थ्री व्हीलर पे, सब बस में सब CNG है। इस 30 दिन में CNG 1 अप्रैल को 80 पैसे बढ़ी और पिछले 30 दिन में 4 रुपया किलो बढ़ चुकी। CNG की भी जो खपत है वो है 3,247,000 मीट्रिक टन, 3,247,000 मीट्रिक टन। तो CNG से भी जो ये अतिरिक्त पैसे कमाने वाले हैं वो हैं 1,400 करोड़ लोगों को देने पड़ेंगे इस साल। PNG भी बढ़ा दी 6 रुपये प्रति स्टैंडर्ड क्यूबिक मीटर 1 अप्रैल से, उसका जो अतिरिक्त बोझ पड़ेगा वो है 961 करोड़ 20 लाख।
टोल टैक्स 10% बढ़ा दिया, 34,000 करोड़ सालाना टोल टैक्स कलेक्ट होता है, 3400 करोड़ सीधे बढ़ गए, कोई ज़्यादा अंग्रेजी की बात ही नहीं है। और अगर 18% करो तो और ज़्यादा है, क्योंकि 18% तक बढ़ाया है, 10 से 18, फिर 6,120 करोड़ बढ़े, क्योंकि 10% तो कम जगह बढ़ाया, बाकी जगह 18 बढ़ा, तो 34,000 का 18% 6,120 करोड़ बढ़ा। 800 दवाइयां महंगी कर दी, 10.76% सरकार ने लिख के आदेश जारी कर दिए कि इनकी दवाइयों की कीमत बढ़ा दो। दवाइयां हैं कौन सी? एक तो है पैरासीटामोल, बुखार की गोली, दूसरी है ये एजिथ्रोमाइसिन, ये भी बुखार की गोली, एंटीबायोटिक्स, तीसरी है सिप्रोफ्लॉक्सिसिन, ये भी बुखार की कॉमन गोली है, चौथी है मेट्रोनाडिजोल, ये भी बुखार की सबसे कॉमन गोली है, ब्लड प्रेशर की दवाई, हार्ट की दवाई, कोरोना की दवाई, स्किन डिजीज़, मिनरल और विटामिन, औरतों को और बच्चों में खून की कमी हो उसकी दवाई, इन सब के 11% रेट बढ़ा दिए। इंडस्ट्री का ये मानना है कि 40,000 करोड़ रुपया सालाना लोगों को अतिरिक्त देना पड़ेगा, उनका लोअर एस्टीमेट 10,000 करोड़ का है, तो मैं 10,000 करोड़ ही लगाएँ, 40,000 करोड़ लगाएगी, तो 10,000 करोड़ वो बढ़ गए।